जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे पास था 22 पार्ट्स इसमें और 8 शेड्यूल्स। ठीक है, तो ये शेड्यूल्स जो थे बेसिकली ये एडिशनल डिटेल अपने साथ कंटेन करते हैं एक लिस्ट और टेबल के फॉर्म में, जो कि आर्टिकल के पास नहीं लिखा जा सका, उसको एक जगह अलग एक साथ लिखा गया है इसको, तो इसी को बुलाया जाता है शेड्यूल। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय हमने देखा कितने शेड्यूल्स थे, 8, लेकिन अभी कितना है हमारे पास, अभी है हमारे पास कुल मिला करके 12 शेड्यूल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीधे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इजीली आंसरेबल होगा इस वीडियो को देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट शेड्यूल है जो अपने साथ कंटेन करता है स्टेट और यूटी के नाम, और इसमें इसके साथ ही डिफाइन किया गया है उनका टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन। सिमिलरली दूसरा जो शेड्यूल है वो बताता है अलाउंसेस प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स किसका, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स, ये लोकसभा, स्पीकर लोकसभा में, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेज ऑफ हाई कोर्ट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका अलाउंसेज प्रिविलेजेज और एमोलमेंट्स वगैरह डिफाइन किया गया है दूसरे शेड्यूल में। तीसरा शेड्यूल जो है वो बताता है ओथ और एफिर्मेशन के बारे में, किसका किसका, तो यूनियन मिनिस्टर्स का, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट का, एमपीज का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, सुप्रीम कोर्ट जजेज, कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर और जजेज ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद चौथा शेड्यूल जो है वो बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यूटीज और स्टेट्स का कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, उसका एलोकेशन कैसे किया गया है वो डिफाइन किया गया है चौथे शेड्यूल में। पांचवा शेड्यूल बताता है प्रोविजंस रिलेटेड टू एससी एंड एसटी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में। छठा शेड्यूल ये रिलेट करता है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, कौन कौन सा ट्राइबल एरिया, तो वो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवां शेड्यूल ये बताता है डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, और इसी में आपका जिक्र किया गया है लिस्ट का, स्टेट लिस्ट, यूनियन और कंकरेंट, इन तीन लिस्टों के बारे में बताया गया किसमें, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 8 इसमें लैंग्वेजेज बताया गया है, 22 लैंग्वेजेज का जिक्र है। शेड्यूल 9 इसमें सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का वर्णन किया गया है जो कि रिलेट करता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट से। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे क्या, 52nd अमेंडमेंट 1985 इसमें इंसर्ट किया गया था, इसको डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है शेड्यूल 10, दल बदल विरोध अधिनियम। 11वां शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड है, पावर और अथॉरिटी बताता है, और 29 सब्जेक्ट पे इसका जो अथॉरिटी होगा पंचायत का वो बताया गया है शेड्यूल 11 में। शेड्यूल 12 म्यूनिसपैलिटी से रिलेट करता है, और इसमें 18 सब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है जो कि म्यूनिसपैलिटी का पावर और अथॉरिटी होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 12 शेड्यूल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस तरह के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।